नाज़रीन, इस वक्त अब्दुलरहमान अमजद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर रिसर्च हैं और साल साल से बल्कि शुरू से ही आफ्ताब इकबाल साहब के साथ साथ हैं। हालांकि आप जानते हैं कि उनका कंटेंट कितना ज़बरदस्त होता है, कितना स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत जो है वो अब्दुलरहमान साहब का भी यकीनी तौर पर होगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? खैरियत से आप? माशाल्लाह, आप इतना भरपूर नाश्ता करने के बाद भी बड़े एक्टिव और बड़े चाकू चौबंद लग रहे हैं। ये हमारा काम ही कुछ इस किस्म का है। अच्छा, कि हमने कुछ विजिलेंट आपको रहना पड़ता है। जी बिल्कुल, हर खबर पर हमने नजर रखनी है और उसके बाद उसका बैकग्राउंड, उसके फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, वो सारी चीजें हमने लेकर चलनी होती है। तो रिसर्च डायरेक्टर हैं आप, आपका कुछ थोड़ा सा तो आपने बता दिया और जाहिर है वो आप वैसे ही डेजिग्नेशन से ही पता चल जाता है, बट एक्चुअली कितना वक्त देना पड़ता है आपको एक प्रोग्राम, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने करना है उस प्रोग्राम के लिए कितना टाइम देते हैं, कितनी एफर्ट होती है, रिसर्च किधर से इकट्ठी करते हैं, किस तरह से करते हैं, थोड़ा सा बताएं। हमारी जो जॉब है 24/7 है, हमने हर वक्त मार्केट से इन टच रहना है, टीवी से, फेसबुक से, इन तमाम चीजों के लिए आपको हर वक्त, जब आप जाग रहे हैं उस वक्त आप ऑन ड्यूटी हैं, ठीक, आपका ऑफ सिर्फ उस वक्त है जब सो रहे हैं। अच्छा, तो इतना टफ नहीं हो जाता? फैमिली को किस तरह से कर लेते हैं मैनेज? सब फैमिली को शिकवा करते हैं घर वाले? बहुत ज्यादा शिकवा करते हैं, टाइम देने के प्रॉब्लम हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कमिटमेंट फैमिली में होती है लेकिन कोई न्यूज ऐसी ब्रेकिंग आ गई नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है उसके लिए। अच्छा, आफ्ताब साहब चूंकि अपने कंटेंट को लेके बहुत कीन है और बहुत ही वो कुछ भी इधर से उधर जो है वो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, मार्जिन गलती का होता है? मार्जिन तो होता है, लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं और सबसे बढ़कर आफ्ताब साहब आपकी हर लफ्ज़, हर फिक्रे को नोट कर रहे होते हैं और उसको क्रॉस चेक खुद भी कर लेते हैं जब उनको डाउट होता है, तो आपको सीखने को बहुत कुछ बहुत मिलता है। और वो चीजें जो मैं समझता हूँ कि आम लोग शायद 20 साल में सीखते हैं, मैं शायद आफ्ताब साहब के साथ 8 साल में सीख गया। बहुत शुक्रिया आपके रहमान साहब।